वो एक्स मुस्लिम जो समीर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी एक वीडियो स्क्रॉल करते समय मेरे सामने आ गई थी। तो उसमें उसकी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई थी, उसमें उसने ये दिखाया था कि हमारे मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैमल के यूरिन को पीने की हिदायत दी थी। उसने कोई हदीस कोट की थी जो कि मैंने वो ढंग से देखी नहीं थी, गुस्से में मैंने स्क्रॉल कर दी थी। क्या ये बात सच है या नहीं है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। जी हाँ, एक हदीस है और ये वाकया उरैना से मुताल्लिक है। उरैना और उकल जी दो कबीले थे और इन दो कबीलों के चंद अफराद, पांच या सात अलग अलग रिवायतें हैं, ये आए और इन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया। उसके बाद ये बीमार हो गए मदीने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने से करीबी बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में एक जगह थी जहाँ पर ऊँटों को रखा जाता था, सदका और ज़कात के जो ऊँट थे वहाँ रखा जाता था, तो वहाँ पर उनको भेजा। अच्छा, और जो हदीस के अल्फाज हैं वो अलग अलग हैं। एक हदीस में ये अल्फाज आए हैं कि फशरबू मिन अल्बानिहा व अबवालिहा, और दूसरी हदीस में अल्फाज आए हैं कि वशरबू मिन अल्बानिहा वस्तनशकू मिन अबवालिहा। वाकया एक है, अल्फाज अलग अलग हैं। पहली जो हदीस है उसका जो तर्जुमा है, लिटरल ट्रांसलेशन, वो ये होगा कि उसका उनका दूध और पेशाब पियो इलाज के लिए, ठीक। दूसरी हदीस का तर्जुमा, वाकिया एक ही है, दूसरी हदीस जो है उसका तर्जुमा होगा कि उनका दूध पियो और पेशाब को सूंघो। इस्तिनशाक कहते हैं, स्निफिंग यानी किसी चीज को ऐसे करना, ये इस्तिनशाक है। तो दोनों रिवायतें मिलती हैं और दोनों सही अहादीस हैं। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या ऊंट का पेशाब पीना जायज़ है? अक्सरियत उलमा की इस बात की कायल है कि ऊंट का पेशाब या गाय का पेशाब पीना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कुछ उलमा के नज़दीक ये है कि अगर दवा के तौर पर किसी इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो सांप के जहर को भी आप अगर दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो जायज़ हो जाएगा। अब सांप का जहर आप वैसे तो नहीं पियेंगे, एज एन इंग्रेडिएंट किसी दवा के अंदर अगर डाल लें तो बतौर इलाज उसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है। तो ऊँट के पेशाबी की क्या तख़सीस? लेकिन असल क्या है मसला, वो ये कि जब आप हिंदुओं को कहते हैं कि तुम गाय का पेशाब पीते हो तो वो झट ये कहता है कि तुम ऊँट का पेशाब पीते हो। तो इसका जवाब यह है कि भाई ऊँट का पेशाब अगर किसी एक हदीस की इंटरप्रटेशन के मुताबिक कुछ उलमा ने जायज भी करार दिया है तो ऊंट के पेशाब को कोई मुकद्दस नहीं मानता। तुम्हारे यहाँ गाय के पेशाब को मुकद्दस माना जाता है। जिन उलमा ने इसको जायज करार दिया है, बतौर इलाज के करार दिया है, तो सांप का जहर भी बतौर इलाज के इंग्रेडिएंट के तौर पर दवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से हराम सब्सटेंस जिनको आप वैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इलाज के तौर पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गाय का पेशाब है उसको आप ऊंट के पेशाब से ना मिलाएं, वो आपके यहाँ मुकद्दस है। आप रोजाना सुबह उठकर उसमें नहाएं तो आपके इसको अच्छा कर्म माना जाता है। आप रोजाना उसको पिए तो इसको अच्छा कर्म माना जाता है। उस जिस जिस जानवर से वो पेशाब निकल रहा है उसको आप अपनी अम्मी जान कहते हैं। ऊंट का ये मकाम हम इस्लाम में नहीं है। ऊंट एक जानवर है जिसको हम जिस तरीके से गाय जिबा करके खाते हैं, ऊंट भी जिबा करके खाते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये मसला जो है, और चूंकि उस इलाके के अंदर सिर्फ ऊंट थे तो इसलिए ऊंट की मिसाल दी। अगर मान लीजिए कोई दूसरे जैसे गाय हैं और ये पता चल जाए कि गाय के पेशाब को अगर किसी तरीके से प्रोसेस करके एज एन इंग्रेडिएंट दवा में इस्तेमाल किया जाए तो उससे शिफा हो जाती है, तो इसमें कोई इस्लामी एतबार से मसला नहीं हो। मैंने जैसे बार बार मैं मिसाल दे रहा हूँ सांप के जहर की, वो भी जायज़ है। जेलेटिन, जेलेटिन सुअर से की चर्बी से निकलती है, उसके ताल्लुक से क्या मसला है फिका में? फिका में मसला ये है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये बताए कि इस बीमारी की यही दवा मौजूद है, कोई दूसरी दवा अभी तक के ईजाद नहीं हुई है, और इस दवा के अंदर जेलेटिन मिली हुई है, तो उस दवा का इस्तेमाल भी जायज़ है। तो बतौर अपनी जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं करता, ये उस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। ये नहीं है कि कोका कोला की तरह ऊंट का पेशाब चढ़ाए जा रहे हैं, ये काम एक खास कम्युनिटी करती है, उन्हीं को शोभा देता है। जी